हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वांटम मैकेनिक्स से सॉफ्ट ट्रिक्स, जो प्रॉब्लम आती हैं क्वांटम मैकेनिक्स की उसके लिए सॉफ्ट ट्रिक्स दूंगा कि किस तरीका से हम सॉफ्ट ट्रिक्स अप्लाई करके प्रॉब्लम्स को बनाएं, सॉल्व करें। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट देगी और सभी कम्पटिशंस में ये मदद करेगी, चाहे वो आई की जेम, गेट, नेट, पार्क, जेस्ट के स्टूडेंट्स हों, चाहे बाकी और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हों, सभी को बेनिफिट देगी। तो पहली जो प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है हमारी जो पार्ट फिल में बॉक्स है, उसी पर डिस्कशन दूंगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस पर मैं सॉफ्ट ट्रिक से समझाने वाला हूँ और फिर कुछ प्रॉब्लम्स हार्मोनिक ऑसिलेटर से लेकर डिस्कशन दूंगा। बाकी ये सीरीज में कंटिन्यू रखूंगा, अगर स्टूडेंट्स को ये पसंद आती है सीरीज तो मैं आगे भी डिस्कशन इस पर जारी रखूंगा। तो पार्टिकल इन ए बॉक्स में हम जानते हैं कि जब पार्टिकल x बराबर 0 से लेकर x बराबर l के बीच में होता है तो उसका जो वेव फंक्शन होता है साई, वो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन होता है रूट 2 अपॉन l साइन n पाई x अपॉन l। तो सदा इसको याद रखें और इसको निकालने का पैटर्न भी याद रखें। हम श्रोडिंगर इक्वेशंस पहले लेके चलते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशंस को लिख देते हैं, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एस कट स्क्वायर और ब्रैकेट में ई माइनस वी और साई इज इक्वल टू 0। फिर हमारा वी 0 रहता है जब x बराबर 0 और l के बीच में है। वी जो होता है यहाँ पे पोटेंशियल 0 होता है और इधर जो पोटेंशियल है दोनों तरफ को इनफाइनाइट पोटेंशियल इक्वल होता है। तो यहाँ पे साई 0 रहता है और जो साई की वैल्यू है इस रीजन्स के अंदर 0 रहती है। यहाँ साई जो रहता है उसकी नॉर्मलाइज वैल्यू होती है रूट टू अपॉन एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। तो इसको याद रखें नॉर्मलाइज वेव फंक्शन को। इस पर मैं कुछ बेस्ड प्रॉब्लम डिस्कशन दूंगा और ये भी कोशिश करूंगा कि हम नई प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो जब हम n बराबर 1 इसमें वैल्यू लेते चलेंगे, जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट होती है n बराबर 1, तो n बराबर 1 का जो हमारा वेव फंक्शन होगा उसकी अगर हम प्लॉटिंग करें x बराबर 0 से लेकर x बराबर l के बीच में, तो ये हमारे पास x बराबर 0 से x बराबर l के बीच में जो वेव फंक्शन की प्लॉटिंग आएगी वो इस टाइप की आएगी। यहाँ पर हम n की वैल्यू को 1 ले लेंगे और ये n बराबर 1 स्टेट में रहेगा। जब n बराबर 1 रहेगा तो यहाँ रूट टू अपॉन एल साइन पाई एक्स अपॉन एल होगा। साइन पाई एक्स अपॉन एल में जब एक्स की वैल्यू को हम एल बाई टू कर देंगे तो ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो एक्स बराबर एल बाई टू पर पाई जाने की प्रायिकता मैक्सिमम होगी। ये साई का वेव फंक्शन है, यहाँ इधर की तरफ में राइट हैंड साइड के अंदर डिस्कशन दूंगा मॉक साई स्क्वायर पे और फिर नई से नई प्रॉब्लम क्रिएट करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ये हमारा मॉक साई स्क्वायर हो जाएगा जो हमारा साइनसॉइडली रहेगा, ये साई की वैल्यू है और यहाँ बॉक्स साई स्क्वायर है। ये एन बराबर वन के लिए एक्स बराबर जीरो और एल के बीच में वैल्यू होगी। फिर हम ये हमारे पास में ग्राउंड स्टेट होगी, जीएस से दिखा रहा हूँ ग्राउंड स्टेट को। उसके बाद जब हम फर्स्ट एक्साइट स्टेट में जाएंगे तो फर्स्ट एक्साइट स्टेट में फंक्शंस की जो वैल्यू होगी वो इस टाइप से आएगी और ये हमारा एन बराबर टू स्टेट के लिए होगा। ये लूप में सदा ध्यान रखें कि जो ये एरिया कवर्ड होगा वो बिल्कुल सेम आना चाहिए, इधर भी और इधर भी, पूरी साइकिल साइनसॉइडल साइकिल रहती है n बराबर 2 में। और अगर हम इधर देखेंगे n बराबर 2 में तो हमारे पास में जो लूप आएंगे वो इस टाइप से आएंगे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। जब हम n बराबर 2 यहाँ पर ले लेंगे बॉक्स साइन स्क्वायर लेके चलेंगे तो साइन स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा x की सब वैल्यू के लिए। तो ये हमारा जो वैल्यू आएगी ये बिल्कुल मिड में रखें और दोनों लूपों को इक्वल बना लें बिल्कुल सेम। ये n बराबर 2 स्टेट के अंदर होगा, ये मॉक साई 1 स्क्वायर की वैल्यू है, ये मॉक साई 2 स्क्वायर होगा। सिमिलरली हम n बराबर 3 में जाएंगे तो n बराबर 3 में हमारे पास ये 3 लूप्स आ जाएंगे इस टाइप के, दिस वन। और जब हम यहाँ पे n बराबर 3 में लेके चलेंगे तो n बराबर 3 में हमारे पास जो लूप आएंगे वो 3 इक्वल लूप्स इस टाइप से हमें आएंगे मॉक साई 3 स्क्वायर में, ये हमारे पास ये वैल्यू होगी। तो ये x बराबर 0 और x बराबर l के बीच में है। यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपटीशंस की दुनिया में, मैं साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि जब हम n की वैल्यू को 1 ले लेंगे ग्राउंड स्टेट में तो रूट टू अपॉन एल साइन पाई एक्स अपॉन एल होगा। x बराबर l बाई टू पर जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, x बराबर 0 और x बराबर l पर 0 होगी, तो ये हमारे पास में साइनसॉइडल x बराबर l बाई टू पर वैल्यू जो मैक्सिमम होगी। सिमिलरली जो ये वैल्यू कर्व हमें सिमिलर उसमें आ जाएगा, साइन स्क्वायर वैल्यू होगी और साइन स्क्वायर की सभी वैल्यू पॉजिटिव होंगी। जब n बराबर 2 ले लेंगे हम फर्स्ट एक्साइट स्टेट में जाएंगे तो हमारे पास में n बराबर 2 में यहाँ पे n को 2 रखेंगे, x को जब l बाई 2 करेंगे तो ये हमारे पास में साइन पाई बन जाएगा। और जैसे ये साइन पाई बनेगा
क्योंकि n की वैल्यू 2 रख रहे हैं, x स्क्वायर बाय 2 रख रहे हैं, तो sin 2 जो पाई है वो 0 हो जाएगा, और x बराबर n की वैल्यू जब हमारी 2 होगी और x की वैल्यू l बाय 4 होगी, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा फंक्शन, क्योंकि तब वैल्यू इसकी जो होगी n बराबर 2 और x की वैल्यू अगर हम l बाय 4 करेंगे तो sin पाई बाय 2 बनेगा। उसी तरीका से जब हम n की वैल्यू को 2 लेंगे फर्स्ट एक्साइट स्टेट में, x की वैल्यू को 3l बाय 4 लेंगे, तो ये हमारी वैल्यू sin 3 पाई बाय 2 होगी जो माइनस 1 आएगा, तो यहाँ पर कर्व ये नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा। लेकिन जब हम इसका मॉड स्क्वायर लेंगे तो ये हमारी जो वैल्यू है वो फिर से पॉजिटिव आएगी। अब यहाँ क्वेश्चन आता क्या है, ये तो हम कर्व ट्रेसिंग देख रहे थे। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कर्व ट्रेसिंग से, वो पूछा जाता है कि फर्स्ट एक्साइट स्टेट में पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो फर्स्ट एक्साइट स्टेट में सबसे ज्यादा पार्टिकल्स कहाँ पे पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं x बराबर l बाई 4 पर पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज्यादा है, और x बराबर 3l बाई 4 पर पाए जाने की प्रायिकता मैक्सिमम है। तो यहाँ पर आंसर लगाएंगे हम x बराबर l बाई 4 और x बराबर 3l बाई 4, ये हमारे दो पॉइंट्स आएंगे, टू पॉइंट्स। तो देयर विल बी टू पॉइंट्स इन फर्स्ट एक्साइट स्टेट वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज मैक्सिमम, दैट इज x बराबर l बाई 4 एंड दैट इज x इक्वल टू 3l बाई 4। ग्राउंड स्टेट में अगर पूछता है तो ग्राउंड स्टेट में जो पाए जाने की प्रायिकता हम देख रहे हैं यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी वो हमारी l बाई 2 होगी, तो l बाई 2 पे केवल सिंगल वन पॉइंट होगा जहाँ पे पाए जाने की प्रायिकता ग्राउंड स्टेट में, ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि कहाँ पे पाए जाने की प्रायिकता मैक्सिमम होगी। बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चंस मैंने देखा है कंपटीशंस की दुनिया में, तो मैं पूरा डिस्कशन इस पर समझा रहा हूँ कि किस तरीका से हम शॉर्ट ट्रिक्स लगा के देख सकते हैं कि है x बराबर l बाई 4 पे है 3l बाई 4 पर। यहाँ पे फिर सिमेट्री हम अप्लाई करें, सिमेट्री में हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ हमारे पास में जो लूप्स हैं वो हम देखेंगे, ये l बाई 3 होगी वैल्यू, ये 2l बाई 3 होगी, और ये वैल्यू हमारी यहाँ l हो जाएगा, इधर हमारा 0 होगा। तो 0 l बाई 3 के बीच में ये जस्ट मिड में एक पॉइंट मिल रहा है हमें जहाँ पर पाए जाने की प्रायिकता मैक्सिमम है, तो ये हमारा सेकंड एक्साइट स्टेट में हम सिमेट्री देखें। यहाँ हम क्या कर रहे थे कि दो लूप थे, दो लूप को हमने चार पार्ट्स में बांटा, दो लूपों को चार पार्ट्स में जैसे ही हम बांटेंगे तो एक लूप, दो लूप, थर्ड लूप और फोर्थ लूप, तो यहाँ पे l बाई 4 हमें मिल जाएगा और यहाँ हमें 3l बाई 4 मिलेगा, क्योंकि l बाई 4 यहाँ तक की वैल्यू होगी, l बाई 2 यहाँ तक, और l बाई 4 इसमें और ऐड कर देंगे तो 3l बाई 4। सिमिलरली हम इसी को इसको डिवाइड कर लें और एक लूप हमारा ये बनेगा 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6, ये हमारे पास में बनेंगे। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस ये आएगी है l बाई 6 आ जाएगी, ये जस्ट मिड में हमें दिख ही रहा है कि ये वैल्यू जो होगी हमारी मिड में आएगी, और ये जो वैल्यू है फिर उसी तरीका से इसको ऐड करके हम निकाल लेंगे। तो सेकंड एक्साइट स्टेट में जो पाए जाने की प्रायिकता होगी मैक्सिमम वो होगी l बाई 6, और ये जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी l बाई 2, और यहाँ से हमारे पास जो डिस्टेंस है ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस l बाई 6 है, ये l बाई 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी हो जाएगी l बाई 2 प्लस, यहाँ से ऐड कर दें, ये हमारी डिस्टेंस यहाँ तक l बाई 2 थी, और ये जो डिस्टेंस थी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 2l बाई 3 है, और यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो l बाई 6 इसमें और ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा 2l बाई 3 प्लस l बाई 6 इसमें ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास ऑप्टेन होगी 5l बाई 6। तो ये हमारे पास पॉइंट होंगे 3 पॉइंट्स जिन पर पाए जाने की प्रायिकता मैक्सिमम होगी। तो याद रखें कि क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ग्राउंड स्टेट में कितनी होती है, x बराबर l बाई 2 पर होती है, और मैक्सिमम वैल्यू अगर प्रायिकता की पूछता है तो प्रायिकता की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारी चलती है प्रायिकता मॉड साई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, और यहाँ पर जब हम प्रायिकता को देखेंगे तो ये हमारी वैल्यू 2 अपॉन l साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन l होगी, और यहाँ हम अगर x की वैल्यू को l बाई 2 करेंगे तो हमारे पास में फर्स्ट ये ग्राउंड स्टेट की कंडीशंस मिलेगी, अगर l बाई 4 और 3l बाई 4 करेंगे तो फर्स्ट एक्साइट स्टेट में, और सेकंड एक्साइट स्टेट में l बाई 6, l बाई 2 और 5l बाई 6 ये पॉइंट्स होंगे। सिमिलरली अगर वो हमसे पूछता है कि हमारे पास जैसे क्वेश्चन से पूछ सकता है कि ग्राउंड स्टेट में कितने पॉइंट्स होंगे, तो 1 पॉइंट होगा जहाँ पर पाए जाने की प्रायिकता मैक्सिमम होगी, n बराबर 2 में 2 पॉइंट्स होंगे, n बराबर 3 में 3 पॉइंट्स होंगे जिन पर पाए जाने की प्रायिकता मैक्सिमम होगी, और n बराबर 4 अगर हमारा होता है तो हमारे 4 पॉइंट्स होंगे जिन पर पाए जाने की प्रायिकता मैक्सिमम होगी। अगर n में पूछता है तो n ही पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पर पाए जाने की प्रायिकता मैक्सिमम होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार देखे जाते हैं, पूछता है ये हमारे पास, और अगर पूछता है कि हम n बराबर 1 ग्राउंड स्टेट हो गई,
एन बराबर वन फर्स्ट, एन बराबर वन ग्राउंड स्टेट, एन बराबर टू जो होगी वो फर्स्ट एक्साइट स्टेट, और एन बराबर थ्री जो होगी वो हमारी सेकंड एक्साइट स्टेट, और एन बराबर फोर वो हमारी होगी ट्रैक्टरी एक्साइट स्टेट। तो ये हमारे पास में स्टेट्स तक हमें पता हो। एन बराबर फोर में अगर हमें जानना है तो चार लूप हम बना सकते हैं इस टाइप के, आगे बढ़ा दें इसको, चार लूपों में ब्रेक कर दें दिस वन, बिल्कुल एग्जैक्ट इनके एरिया कवर करें। तो ये पार्ट हमारे पास में इस तरीका का करवाएगा एन बराबर फोर के लिए। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम एन बराबर वन है तो केवल एक लूप होगा, एन बराबर टू है तो दो इक्वल लूप होंगे, एन बराबर थ्री है तो थ्री इक्वल लूप होंगे, और एन बराबर फोर है तो हमारे पास फोर लूप होंगे। उसी तरीका से अगर हमसे पूछता है कि हमें पॉइंट्स चाहिए किन किन पार्टिकल्स की प्रायिकता किन पॉइंटों पर मैक्सिमम है, तो उसी हिसाब से इसे ब्रेक करते चले जाएं। एल बाई फोर को ब्रेक करें, यहाँ से मिड में जाएगा तो एल बाई एट आ जाएगा, एक हमारा पॉइंट। उसी तरीका से यहाँ से एक पॉइंट हमें मिलेगा, ये एल बाई फोर है यहाँ प्लस एल बाई एट ऐड कर दें, और एल बाई फोर और एल बाई फोर यहाँ एल बाई टू हो जाएगा, और तो यहाँ से एल बाई टू के बाद में फिर यहाँ एल बाई एट इसमें और ऐड कर दें इस पॉइंट को पता करने के लिए। उसी तरीका से यहाँ से एल बाई टू है और एल बाई फोर यहाँ तक ऐड होगा और एल बाई एट यहाँ तक होगा। तो इस तरीका से हम चार जो चार पॉइंट्स हैं उन्हें एवेल्यूएट कर लेंगे। तो इसको सिमेट्री से लेकर चले और आसानी से एवेल्यूएट करते चले जाएं। साथ साथ ये भी याद रखें कि जो हमारे जिन पॉइंटों के ऊपर पाए जाने की प्रायिकता मैक्सिमम होती है उन पॉइंटों को हम एंटी नोक्स कहते हैं, जिन पार्ट पाए जाने की प्रायिकता जिन पर जीरो होती है उन्हें नोक्स कहते हैं। तो जो नोक्स हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये दो नोक्स पॉइंट्स थे, यहाँ एंटी नोक्स है, यहाँ वन टू थ्री, अगर हम इन पॉइंटों को भी इंक्लूड करते हैं तो वन टू थ्री थ्री यहाँ पर नोक्स हैं और दो एंटी नोक्स हैं। तो ऐसे भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम दो नोक्स, एन फोर नोक्स और वन एंटी नोक्स होगा। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास थ्री यहाँ नोक्स होंगे, वन टू थ्री, और टू यहाँ पे हमारे पास एंटी नोक्स होंगे, ये हमारे पास एन बराबर टू स्टेट होगी। ये भी पूछा जाता है कंपटीशन में, थ्री नोक्स और टू एंटी नोक्स। यहाँ पे देखें ये हमारे पास में फोर जो होंगे वो नोक्स हैं, वन टू थ्री फोर, तो फोर नोक्स हो गए यहाँ पे, और थ्री जो है वो वन टू थ्री ये एंटी नोक्स हो गए। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्राउंड स्टेट में जब पार्टिकल्स होता है तो कितने नोक्स और कितने एंटी नोक्स का फॉर्मेशन होता है पार्टिकल इन ए बॉक्स में। फर्स्ट एक्साइट स्टेट में तो यहाँ पर टू नोक्स और वन एंटी नोक्स। अगर इनको कहता है इनको इंक्लूड नहीं करना है जो हमारे सिरे हैं, तब हमारा जो एंटी नोक्स इसमें जो वन होगा और नोक्स नहीं होगा, नोक्स केवल यहाँ पर बनेंगे एन बराबर वन स्टेट में जो एक्स बराबर एन और एक्स बराबर जीरो पर। इसी टाइप से इन क्वेश्चन को करके चलें, काफ़ी यूजफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ से लगातार क्वेश्चंस देखे जाते हैं और मैं कहना चाहूँगा कि एन बराबर फाइव एन बराबर सिक्स इस सिमिलर सिमेट्री के साथ में आगे बढ़ें तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। उसके अलावा एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सिमेट्री में हम देखें यहाँ से तो एन बराबर वन पे जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल अगर है तो इस रीजन का एरिया और इस रीजन का जो कवर्ड एरिया है वो सेम होगा। तो यहाँ से x बराबर जीरो से l बाई टू तक और l बाई टू से लेकर l तक पाए जाने की जो प्रायिकता होगी पार्टिकल की वो इक्वल होगी। तो जैसा पूछता है कि ग्राउंड स्टेट में x बराबर जीरो से लेकर x बराबर l बाई टू तक और l बाई जो प्रायिकता है वो p1 है, l बाई टू से लेकर l तक प्रायिकता p2 है, तो p1 अपॉन p2 की वैल्यू क्या होगी। बना दिया मैंने क्वेश्चन तो वन आंसर आप मार्क करें, क्योंकि जो रीजन कवर्ड एरिया है वो हमारी टोटल प्रायिकता को नोट करेगा, और क्योंकि यहाँ पे जो एरिया कवर्ड है वो सेम है तो ये हमारी प्रायिकता जो है वो इक्वल होगी सिमेट्री से जीरो से एल बाई टू तक और एल बाई टू से एल तक। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा ये वाला एरिया है और ये एरिया सेम है, तो फिर से हम देख सकते हैं कि एन बराबर टू में जो एरिया है एक्स बराबर जीरो से एल बाई टू तक और एल बाई टू से एल तक वो सेम है, तो पाए जाने की जो प्रायिकता होगी दोनों रीजन में वो सेम होगी। सिमिलरली यहाँ से देख सकते हैं सिमेट्री से कि जो यहाँ पे भी हमारे पास जो ये कवर्ड एरिया होगा मिड पॉइंट से लेफ्ट में और राइट में वो सेम होगा। तो क्या कह सकते हैं हमारे पास कंक्लूजन्स होगा कि अगर मिड पॉइंट से हम लेफ्ट में जाते हैं एक्स बराबर जीरो से एल बाई टू तक या एल बाई टू से लेकर एल तक जाते हैं तो पाए जाने की जो प्रायिकता होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी आपके लिए बेनिफिट देगा। एक जो क्वेश्चन मैंने यहाँ लगातार देखा है, मुझे उम्मीद है सब नोट डाउन कर रहे होंगे इस कंसेप्ट को और सीख रहे होंगे। काफ़ी यूजफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आज इस वीडियो के मार्फत आपको देने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी बेनिफिट सभी स्टूडेंट को देगी और कंपटीशन वालों को, खास तौर से जो स्टूडेंट्स
कंपटीशंस में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स महसूस करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को स्टूडेंट्स इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैं इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ, पार्ट के लिए बॉक्स और वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर से, और शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। ध्यान देख रहे थे कि अगर हमारा बॉक्स एक्स बराबर जीरो से लेकर एक्स बराबर एल के बीच में था और हम ग्राउंड स्टेट में थे, तो ये हमारा वेव फंक्शन था इस टाइप से, ये साइनसोइडल फंक्शन था। अब क्वेश्चंस एक बार आया कंपटीशंस की दुनिया में, मैंने देखा कि एक बार क्वेश्चंस पूछा था कि पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में है और एक्स बराबर जीरो से लेकर एक्स बराबर एल बाई फोर तक पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी। गेट में क्वेश्चंस पूछा गया था और जेम में भी पूछा जा चुका है इस पैटर्न पे क्वेश्चंस, तो काफ़ी यूजफुल क्वेश्चंस है। तो प्रायिकता अगर हम एक्स वन से लेकर एक्स टू तक कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका एक्सप्रेशन होगा हमारा मॉड साइज स्क्वायर और dx, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमें लेनी होगी x1 से लेकर x2 तक। इस तरीका से हम इसे लें प्रॉब्लम को कि प्रोबेबिलिटी x1 से लेकर x2 तक पाए जाने की होगी इंटीग्रल x1 से लेकर x2 मॉड साइज स्क्वायर dx, क्योंकि मॉड साइज स्क्वायर जो होता है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है। मॉड साइज स्क्वायर dx पार्टिकल के dx डिस्टेंस में पाए जाने की प्रायिकता होगी, और अगर हम x की लिमिट को x1 से x2 तक ले लें तो x1 से लेकर x2 तक पाए जाने की प्रायिकता होगी। इसमें हम क्या देखें कि x बराबर जीरो से लेकर एल बाई फोर तक पूछा था, अगर हम इस जो हमारा बॉक्स है उसकी x बराबर जीरो से लेकर एल बाई फोर तक, तो ये हमारा कवर्ड एरिया, ये हमें कैलकुलेट करना था। तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करें, यहाँ x1 की वैल्यू को इस पॉइंट के लिए x1 को जीरो ले ली और यहाँ तक जाना है हमें इस पॉइंट तक, तो ये हमारी डिस्टेंस होगी एल बाई फोर, तो ये यहाँ मिड पॉइंट है, ये एल बाई टू है। तो यहाँ जीरो से लेकर एल बाई फोर तक प्रायिकता पूछ रहा हूँ मैं कि पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता x बराबर जीरो से लेकर x इज इक्वल टू एल बाई फोर तक कितनी होगी। तो इंटीग्रेशन लगा दें जीरो से लेकर एल बाई फोर, और मॉड साइज स्क्वायर डी एक्स में ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन ले लें, क्योंकि n बराबर वन स्टेट में मैं पूछ रहा हूँ पाए जाने की प्रायिकता। तो n बराबर वन में पार्टिकल ने बॉक्स में ग्राउंड स्टेट में x बराबर जीरो से लेकर x बराबर एल बाई फोर तक कितनी प्रायिकता होगी उसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास लिमिट होगी x बराबर वन की जीरो, और x2 की वैल्यू होगी l बाई फोर, क्योंकि ये लोअर लिमिट होगी और यहाँ तक पहुँचना है हमें l बाई फोर तक, क्योंकि प्रायिकता इस रीजन में पूछी गई है। तो ये कवर एरिया हम देख रहे हैं, तो जीरो से लेकर l बाई फोर टू बाई एल और साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स, ये हमारे पास वैल्यू आएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन होता है वो हमारा रूट टू अपॉन एल साइन पाई एक्स अपॉन एल होता है, क्योंकि यहाँ एक्सप्रेशंस में एन पाई एक्स अपॉन एल आता है, एन को वन ले लेंगे ग्राउंड स्टेट के लिए। साथ साथ ये भी याद रखें कि पार्टिकल ने बॉक्स में जो एन ग्राउंड स्टेट के लिए जो है एन की वैल्यू को वन लेते हैं, क्वांटम मैकेनिकली पार्टिकल की एनर्जी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, अगर हम एन को जीरो लेंगे तो पार्टिकल की एनर्जी जीरो होगी और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से उस स्टेट में इन्फिनिटी समय तक रुक पाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए उस कंसेप्ट को भी याद रखें। तो यहाँ से टू अपॉन एल ले लें, इसके बाद इसका जीरो से लेकर एल बाई फोर और साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन एल को लिख लें, वन माइनस कॉस टू पाई एक्स अपॉन एल अपॉन टू इंटू डी एक्स, ये हमारा आ जाएगा यहाँ से। तो इसको फिर सॉल्व करें, ये मैंने यूज किया है जो कॉस टू थीटा होता है वो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है, और कॉस टू थीटा का एक एक्सप्रेशन होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, वो मैंने यूज किया है यहाँ पर। तो उसके बाद इसे सॉल्व कर लें टू अपॉन एल, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो हमें वैल्यू ऑप्टेन होगी टू अपॉन एल यहाँ से आएगा, और यहाँ से जो वैल्यू ऑप्टेन होगा आएगी उसे देखें वन बाई टू और एक्स आएगा यहाँ से माइनस साइन टू पाई एक्स अपॉन एल, कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है हम सभी जानते हैं साइन होता है, अपॉन टू पाई अपॉन एल, ये हमारे पास वैल्यू आएगी, और इंटीग्रेशन लिमिट लगा दें जीरो से लेकर एल बाई फोर। तो यहाँ से वैल्यू पुट करें, यहाँ ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी एक्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखें, तो जब अपर लिमिट रखेंगे तभी वैल्यू आएगी और लोअर लिमिट पे वैल्यू जीरो हो जाएंगी दोनों। तो यहाँ से वैल्यू हमें ऑप्टेन होगी टू अपॉन एल और एल बाई फोर माइनस एल अपॉन टू पाई यहाँ से आ जाएगा दिस वन, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी साइन और टू पाई एक्स की जगह पे एल बाई फोर रख दें टू पाई एल अपॉन फोर एल, ये वैल्यू आएगी, एल से एल कैंसिल कर दें ये टू आ जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू हमें ऑप्टेन हो रही है वो देखें टू अपॉन एल, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी एल बाई फोर माइनस एल अपॉन टू पाई, क्योंकि साइन पाई बाई टू वन हो जाएगा, तो यहाँ से जो वैल्यू हमें ये ऑप्टेन होगी
टू अपॉन एल ये था, और एक हमारे पास में जो एक्सप्रेशंस था उसमें देखें ये जो वैल्यू है से हमें ऑब्टेन हो रही है वो आनी चाहिए थी 1/4 माइनस 1/2π, ये हमें वैल्यू ऑब्टेन होनी चाहिए थी। तो यहाँ से देखें क्या हमारे पास कहाँ प्रॉब्लम रही, 2/L यहाँ से आएगा ये, और 0 से लेकर एल बाई फोर यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 cos 2πx/L/2, ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। 2 से चाहेंगे 2 यहाँ हम कैंसिल आउट भी कर सकते थे, इसको इससे कैंसिल कर दें तो ये हमारे पास 1/L आ जाएगा, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास x आएगी माइनस साइन 2πx/L और 2π/L और 0 से एल बाई फोर। तो यहाँ से वैल्यू यहाँ हमें मिलेगी 1/L एल बाई फोर, एक्स की वैल्यू एल बाई फोर माइनस एल अपॉन 2π और साइन ये वैल्यू आएगी, तो यहाँ से ये 2 नहीं आएगा, यहाँ 1 आएगा ये वैल्यू, तो 1/L और एल बाई फोर माइनस एल अपॉन 2π। तो ये वैल्यू हमारे पास में जो वैल्यू ऑप्टेन हुई वो देखें, ये आएगी 1/4 माइनस 1/2π, ये हमारा आंसर होगा। तो देख लें एक बार कैलकुलेशंस, अगर कहीं पर अभी मिस्टेक है तो प्रोबेबिलिटी हमारी 0 से लेकर एल बाई फोर तक होगी 2/L साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स, और लिमिट होगी 0 से लेकर एल बाई फोर। यहाँ से 2/L को एक बार ले आए 0 से एल बाई फोर, इसको साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन एल को लिख दें 1 cos 2πx/L/2, 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दें क्योंकि इस पूरी दोनों टर्मों में है, उसके बाद इसे इंटीग्रेट कर दें। इसका इंटीग्रेशन पहली टर्म का एक्स आएगा, दूसरी टर्म का आएगा साइन 2πx/L/2π/L, इस एल अपॉन 2π लिख दें, इस टर्म को ऊपर ले जाएं, उसके बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दें, तो 1/L और यहाँ से वैल्यू आएगी एल बाई फोर माइनस साइन 2πL/4L और L/2π ये मल्टीप्लाई में L से L कैंसिल करें पूरे से, तो 1/4 माइनस 1/2π। तो ये जो वैल्यू हमें ऑप्टेन हो रही है वो होगी 1/4 माइनस 1/2π। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस है, मैं कंसेप्चुअली बताना चाहूँगा ये कैलकुलेशंस करने के बाद में कि जो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है प्रायिकता। जनरल स्टूडेंट क्या गलती करता है कि वो इस चारों लूपों का जो एरिया कवर्ड एरिया है उसको जो है इक्वल ले लेता है, जिससे क्वेश्चन उसका गलत हो जाता है। याद रखें कि प्रोबेबिलिटी जो है x बराबर 0 से लेकर x बराबर l बाई 4 तक जो होगी वो 1/4 से कम होगी, और वो होगी 1/4 माइनस 1/2π। यहाँ पर जो रीजन्स है, ये वाला जो एरिया कवर्ड होगा वो ज़्यादा होगा क्योंकि साइन जो है जितना 0 से लेकर यहाँ तक वैल्यू ऑप्टेन करेगा उससे ज़्यादा रीजन्स कवर्ड एरिया ये होगा, और यहाँ तक प्रायिकता हाफ है क्योंकि ये जो मैं अभी इससे पहली वाले उस कंसेप्ट में समझा रहा था कि प्रायिकता जो हाफ बची रहती है 0 से लेकर एल बाई 2 तक। तो प्रायिकता अगर पूछता है कि x बराबर एल बाई 4 से लेकर एल बाई 2 तक कितनी प्रायिकता होगी, तो हाफ में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हाफ क्योंकि यहाँ तक प्रायिकता है हाफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्रायिकता है वो हमें पता है 1/4 माइनस 1/2π है, तो यहाँ से यहाँ तक की प्रायिकता हाफ में से सब्ट्रैक्ट करके निकाल लें, वो हमारी होगी 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1/2π। तो ये वैल्यू हमारे पास ऑप्टेन हो जाएगी 1/4 प्लस 1/2π। अगर अब ये प्रायिकता की रेशो पूछता है, क्वेश्चंस को मैं पढ़ा दूं कि अगर x बराबर 0 से लेकर x बराबर एल बाई 4 तक की प्रायिकता, और जो प्रायिकता x बराबर एल बाई 4 से लेकर x बराबर एल बाई 2 तक है तो उसकी रेशो क्या होगी, तो यहाँ पे हम 1/4 माइनस 1/2π हमारे पास ये वैल्यू ऑप्टेन हो रही है, और ये वैल्यू हमारे पास आई है 1/4 प्लस 1/2π। 4 यहाँ से ऊपर कॉमन निकाल दें तो ये हमारे पास 4π लेने बल्कि कॉमन, तो 4π जैसे हम लेंगे यहाँ से तो यहाँ वैल्यू जो बचेगी वो पाई आएगी, और यहाँ से जो वैल्यू बचेगी वो माइनस 2/ है, एस सिमिलर यहाँ से आएगा पाई प्लस 2/, और यहाँ वैल्यू आएगी हमारी 4π। तो ये 4π से 4π कैंसिल आउट होगा, पाई माइनस 2/π + 2 उसका आंसर होगा। तो नई से नई प्रॉब्लम यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर यहाँ से फिर पूछता है कि हमारे पास x बराबर l बाई 2 से 3l/4 तक कितनी होगी, तो ये सिमेट्रिकल पता चलेगा क्योंकि ये कर्व एरिया यहाँ से और यहाँ तक सेम है। सिमिलरली जो ये वाला एरिया है वो x बराबर 0 से l बाई 4 वाला सेम है, तो यहाँ पर जो प्रायिकता होगी वो 1/4 माइनस 1/2π, यहाँ पर प्रायिकता 1/4 प्लस 1/2π, यहाँ पर प्रायिकता 1/4 प्लस 1/2π, और यहाँ पर जो प्रायिकता 1/4 माइनस 1/2π, और नेट प्रायिकता 1 हो जाएगी। इस टाइप से इस तरीका की क्वेश्चन को सॉल्व करें।
इंटीग्रेशंस को बहुत प्रॉपरली सॉल्व करें और कैलकुलेशंस को प्रॉपर करें। कई बार क्वेश्चंस इस पर देखे गए हैं जो हमारे पास कवर्ड एरिया है, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ पार्ट के लिए बॉक्स पे। मुझे उम्मीद है कि ये सभी कंपटीशन वालों स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कंसेप्चुअल चीज़ें हैं जो उन्हें निश्चित तौर से बेनिफिट देंगी और उन्हें कंपटीशन की दुनिया में सफल करेंगी, ऐसा मेरा भरोसा है। क्योंकि बहुत ही यूजफुल और बहुत ही सारगर्भित ये मैं लेक्चर दे रहा हूँ जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पार्ट के बॉक्स को लेकर डिस्कशन दे रहा हूँ। उसके अलावा शॉर्ट ट्रिक्स में हम अगर n बराबर 2 में पूछता है कि भाई n बराबर 2 में x बराबर 0 से लेकर l बाई 4 तक प्रायिकता निकालिए, तो सिमिलर वे में हम सॉल्व करें प्रॉब्लम को। पहले हम क्या करें, n बराबर 2 का जो स्टेट का वेव फंक्शन ले लें और प्रोबेबिलिटी को लिख दें x1 से लेकर x2 इंटीग्रेशन लिमिट मॉड साई स्क्वायर dx। साई में जो है n बराबर 2 ले लें और अगर x बराबर 0 से l बाई 4 तक पूछा है तो x बराबर 0 से x बराबर l बाई 4 उसमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दें। उसके बाद एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जाता है कि हमारा अगर जो वॉल्स हैं अगर उन्हें हम शिफ्ट कर दें तो वेव फंक्शन की वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मैं उसका भी एक शॉर्ट ट्रिक आपको आज देने वाला हूँ। ये हमारे पास जो बॉक्स था पहले बॉक्स एक्स बराबर जीरो से लेके एक्स बराबर एल के बीच था, एक्स बराबर जीरो से लेके एक्स बराबर एल के बीच में था। इसको कोशिश करें कि इसका जो रीजन है वो सेम रहे। अब क्या किया गया कि जो हमारे पास ये x बराबर जीरो वाली जो वॉल्स थी इसको इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया, इस वॉल को l बाई टू इधर की तरफ लेफ्ट की तरफ, और जो ये वाली वॉल थी इसको भी यहाँ ये हमारा l बाई टू शिफ्ट किया, इसको भी l बाई टू हमने शिफ्ट कर दिया। तो जैसे हम इसे l बाई टू इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस l बाई टू और इधर ये प्लस l बाई टू होगा, तो ये हमारा बॉक्स बन जाएगा। तो अगर हम इस वाले बॉक्स में जो पार्टिकुलर बॉक्स का वेव फंक्शन इस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें, ये हमारी प्रॉब्लम है। मैं फिर से एक बार क्लियर करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए कि अगर पार्टिकल x बराबर जीरो से लेकर x बराबर एल के बीच में था, x बराबर जीरो पर जो वॉल थी उसको हमने माइनस एल बाई टू शिफ्ट कर दिया लेफ्ट में, और जो हमारे पास x बराबर एल पे वॉल्स थी उसको हमने एल बाई टू लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास जो वॉल बन के आएगी वो ये वाला केस बनेगा x बराबर जीरो से माइनस एल बाई टू और प्लस एल बाई टू। अगर अब हमारे पास हम यहाँ से देखें कि पार्टिकल इन ए बॉक्स में जो वेव फंक्शन था वो हमारा हम जानते हैं x बराबर जीरो से लेकर x बराबर एल के बीच वेव फंक्शन की वैल्यू होती है रूट टू अपॉन एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। तो यहाँ से हम x बराबर जीरो से हमारे पास हम लिमिट ले रहे थे और सपोज किया पार्टिकल यहाँ था x बराबर जीरो से हम ऑब्जर्व कर रहे थे और ये डिस्टेंस हमारी x थी। अब हमारे पास अगर x बराबर जीरो से हम पार्टिकल को लेकर चल रहे हैं तो अब हमारा x बराबर जो ओरिजिन था पहले है, पहले हमारा ओरिजिन x बराबर जीरो पे था तो डिस्टेंस हमारी x पे लग रही थी, अब जो ओरिजिन है हमारा इधर की तरफ शिफ्ट हो गया तो अब डिस्टेंस हमारी यहाँ से ऑब्जर्व होगी। तो ये हमारे पास में जो डिस्टेंस थी जो ये वाली डिस्टेंस है जो x थी उसमें ये डिस्टेंस का l बाई टू का एडिशन हमारा हो जाएगा, क्योंकि पहले हम डिस्टेंस मेजर कर रहे थे इस पॉइंट से और ये वॉल्स थी इधर, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मेजर कर रहे थे। अब हमने जो ये वाली वॉल है ये वाली हमने इधर शिफ्ट कर लिया तो ऑब्जर्वेशन हम यहाँ से लेंगे, तो यहाँ जो डिस्टेंस ये एक्स थी यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो डिस्टेंस एक्स प्लस एल बाई टू होगी। तो यहाँ पर वेव फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास एक्स की जगह हम रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस एल बाई टी, ये हम रिप्लेस कर देंगे एक्स को एक्स प्लस एल बाई टू से, तो ये वेव फंक्शन हमारा ऑब्टेन हो जाएगा इस केस के लिए। तो ये वैल्यू देखें रूट टू अपॉन एल साइन और ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर लें एन पाई एक्स अपॉन एल अपॉन, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें वैल्यू आएगी यहाँ से एन पाई एल से एल कैंसिल आउट होगा एन पाई अपॉन टू। अब एन की वैल्यू को वैल्यू ऑप्टेन वैल्यू देनी शुरू करें, सपोज किया एन की वैल्यू को हमने वन दी वैल्यू दी तो ये जो सोल्यूशन होगा एन बराबर वन पे तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा रूट टू अपॉन एल कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल, ये हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। और अगर हम एन की वैल्यू को थ्री ले लेते हैं तब भी ये वैल्यू इसी फॉर्म में रहेगी क्योंकि हमारा थ्री पाई बाई टू आ जाएगा, तो उसके बाद ये कोसाइन फॉर्म में ही हमें सोल्यूशन मिलता रहेगा। अगर हम एन की वैल्यू को फाइव लेते हैं तब भी हमारा कोसाइन सोल्यूशन बना रहेगा, तो ये हमारा एन बराबर वन थ्री फाइव मीन्स जब एन की वैल्यू ऑड होगी तब ये वैल्यू हमारे पास जो फंक्शन है सोल्यूशन रूट टू अपॉन एल कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल हो जाएगा।
और जब हमारे पास हम n की वैल्यू को 2, 4, 6 हम पुट करेंगे इसमें, तो सपोज कि हमने 2 लिया तो यहाँ से वैल्यू आएगी साइन 2πx/2π/2, तो ये पाई इसमें ऐड हो जाएगा और जब हम इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो साइन पाई प्लस थीटा जो होगा वो हमारा रहता है साइन पाई कॉस थीटा प्लस कॉस पाई साइन थीटा, ये हमारे पास एक्सप्रेशंस रहता है। तो ये साइन में कन्वर्ट होकर आएगा और सॉल्यूशंस हमारा साइन सोजल बना रहेगा, तो रूट 2/L साइन एन पाई एक्स अपॉन एल की फॉर्म बनी रहेगी तब जब एन की वैल्यू हमारी 2, 4, 6 फॉर्म में होंगे मीन्स इवन। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर x बराबर 0 से x बराबर l के बीच में कोई पार्टिकल है बॉक्स के अंदर और माइनस l से लेके अब अगर उसकी डिस्टेंस को हम x बराबर 0 को माइनस l/2 की तरफ इस बॉल को शिफ्ट कर दें और जो l वाली है उसे l/2 लेफ्ट में शिफ्ट कर दें, तो जो हमारे पास बॉल होगी वो माइनस l/2 से प्लस l/2 के बीच होगी। तो इसका सॉफ्ट ट्रिक सॉल्यूशंस में बता रहा था कैसे हम इन सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। बहुत बार पूछा जाता है कंपटीशंस की दुनिया में, एनर्जी आइगन वैल्यू का कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि एनर्जी आइगन वैल्यू एल का फंक्शन होती है और बॉक्स की क्योंकि यहाँ पे लेंथ चेंज नहीं हुई है तो जो एनर्जी आइगन वैल्यू है n²πx²h²/2mL² वो एस सच बनी रहेगी दोनों केसों में, यहाँ पे भी एनर्जी और यहाँ एनर्जी दोनों सेम होंगी। सॉल्यूशन बदल जाएंगे, ऑड के लिए कोसाइन सॉल्यूशन हो जाएगा और इवन के लिए साइन सॉल्यूशन रहेगा। तो काफ़ी यूजफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स था ये भी जो मैं अभी शॉर्ट टिप्स में समझा रहा था। कोशिश है मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल में बॉक्स की प्रॉब्लम से शॉर्ट ट्रिक्स से सॉल्व करूँ और समझाऊँ कि कैसे प्रॉब्लम्स बनती हैं और किस तरीका से हम जल्दी से प्रॉब्लमों को बना कर सॉल्व करें। उसके साथ साथ जो क्वेश्चन हैं कई बार कैसे पूछे जाते हैं कि वेव फंक्शन दे देता है, कि वेव फंक्शन है ए साइन और वैल्यू दे देता है यहाँ पे साइन पाई एक्स अपॉन एल कॉस पाई एक्स अपॉन एल और कहता है भाई कि ये पार्टिकल में बॉक्स का वेव फंक्शन है, आप बताइए कि इसमें एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होगी, या पूछेगा पार्टिकल कौन सी स्टेट में है। तो जब हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा का जो एक्सप्रेशन है वो हम जानते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, तो हम तुरंत से इस कंसेप्ट को अप्लाई करें और तुरंत से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद तो यहाँ पे a अपॉन 2 और ट्वाइस और साइन पाई एक्स अपॉन एल और कॉस पाई एक्स अपॉन एल ये हमारा हो जाएगा, इसे हम लिख पाएंगे a अपॉन 2 और ये स्टेट हो जाएगी हमारी साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल। तो ये जो n बराबर 2 में पार्टिकल्स हैं, क्योंकि अगर हम इसको b मान लें कुछ देर के लिए, a भी कांस्टेंट है 2 भी कांस्टेंट है, तो b साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल फॉर्म होगी और n बराबर 2 में पार्टिकल्स होगा और n बराबर 2 में पाए जाने की प्रायिकता पार्टिकल की 100% होगी क्योंकि पार्टिकल जो है केवल n बराबर 2 स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, तो n बराबर 2 में पाया जाएगा और प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग की जो होगी वो इस स्टेट में 100% होगी क्योंकि वेव फंक्शंस केवल n बराबर 2 में एग्जिस्ट कर रहा है। तो एनर्जी आइगन वैल्यू अगर पूछता है तो एनर्जी आइगन वैल्यू हम सीधी निकाल सकते हैं n²πx²/2mL² और एल की जो वैल्यू है वो एल ले लेंगे, एन की जगह पर 2 रख देंगे तो ये एनर्जी होगी 4π²h²/2mL². तो इस टाइप की भी प्रॉब्लम्स मैंने देखी है कंपटीशंस की दुनिया में जहाँ पे क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे जाते हैं। उसके अलावा एक जो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का बना रहता है पार्टिकल इन ए बॉक्स पे, मैं उसे भी डिस्कस कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि वो फिर से रिपीट होगा, कई बार नेट में क्वेश्चन आ चुका है और पहले भी मैंने डिस्कस किया है, आज भी मैं उसे ब्रीफ में डिस्कशन उस पर दूंगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी यूजफुल टिप्स दे रहा था। उसके बाद एक चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगा कि जब पार्टिकल एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर एल के बीच में कन्फाइंड था तो एवरेज जो होगा वो हमारा एवरेज जो पार्टिकल का एक्सपेक्टेशन एक्स मिलेगा वो उन दोनों की वैल्यू का एवरेज हम ले लेते हैं। कि जैसे हमारे पास में पार्टिकल था 0 और एल के बीच में तो एक्सपेक्टेशन एक्स की वैल्यू सिंपली ले सकते हैं 0 + L/2, क्योंकि एक्सपेक्टेशन एक्स जो एवरेज देती है तो L/2 होगा। अगर हमारा बॉक्स -L/2 और +L/2 के बीच है तो एक्स एवरेज जो होगा वो L/2 और -L/2/2 करेंगे तो एवरेज उसका यहाँ आएगा, तो एक्सपेक्टेशन एक्स इस केस के अंदर 0 बन जाएगा। तो ये भी ध्यान रखें, ये छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं जो काफ़ी काम आते हैं। एक्स बराबर 0 से लेकर एक्स बराबर एल तक एक्सपेक्टेशन पी एक्स तब भी 0 रहेगा क्योंकि पार्टिकल इधर जाएगा तो मोमेंटम पॉजिटिव होगा, वापस आएगा टकराने के बाद में रिजिड बॉल से तो मोमेंटम नेगेटिव होगा, दोनों तरफ जाने की प्रायिकता सेम है, पॉजिटिव और नेगेटिव मोमेंटम रखने की प्रायिकता सेम है तो नेट मोमेंटम एक्सपेक्टेशन 0 होगा। तो इस केस के अंदर भी
एक्सपेक्टेशन पी एक्स जीरो रहेगा और इस केस में भी एक्सपेक्टेशन पी एक्स हमारा जीरो रहेगा। इस तरीका से इन प्रॉब्लमों को समझें। उसके बाद एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने देखा इस पर रेगुलर इंटरवल पर पूछा जाता है ए साइन क्यू पाई एक्स अपॉन एल, या ए दे देता है जो बॉक्स है उसकी जो साइज है वो ए दे देता है लेंथ की जगह पे, तो लेंथ की अगर एल की बजाय ए दे रखिए तो इसे सॉल्व कर लें। तो कैसा हम इसे सॉल्व करें, वेव फंक्शन दे रखा है, एनर्जी आइगन वैल्यू पूछी गई थी नेट में इस क्वेश्चन की, तो साइन थ्री एक्स का एक्सप्रेशन इसमें यूज करें। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई साइन क्यूब पाई एक्स अपॉन ए जो है ये गलती से यहाँ पे आ गया होगा, क्योंकि साइन पाई एक्स अपॉन ए का आंसर वो टिक कर देते हैं, लेकिन साइन क्यूब पाई एक्स अपॉन ए जो है वो हम देखें कि किन किन स्टेटों का ये मिक्सचर है इसके। तो साइन थ्री एक्स का एक्सप्रेशन इसमें यूज करें, साइन थ्री एक्स जो होता है वो हमारा होता है थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स, तो ये एक्सप्रेशन साइन थ्री एक्स का याद रखें। अगर स्टूडेंटों को याद नहीं है तो इसे बनाने का मैं तरीका भी बता दूंगा कि हम इसे साइन टू एक्स प्लस एक्स फॉर्म में पहले लिख लें, साइन ए प्लस बी लगा दें, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन टू एक्स ये जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो साइन टू एक्स और ये जो आएगा साइन ए प्लस बी से वो आएगा हमारा साइन टू एक्स और कॉस एक्स प्लस कॉस टू एक्स और साइन एक्स। उसके बाद इसे साइन में बनाने के लिए यहाँ साइन टू एक्स को टू साइन एक्स कॉस एक्स लिख दें, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स ले लें, कॉस टू एक्स की जगह पे वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स ले लें और सॉल्व कर दें तो रिजल्ट हमें सीधा मिल जाएगा। तो हमारे पास में बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिन्हें हम अप्लाई करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उस तरीका से इसे बना लें और फॉर्मूला हमें साइन थ्री एक्स का ऑलवेज रिमेंबर भी होना चाहिए। तो यहाँ फोर साइन क्यू एक्स की वैल्यू पहले कैलकुलेट करें, फोर साइन क्यू एक्स जो होगा इस टर्म को इधर ले जाएं, ये वैल्यू आएगी थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स, ये वैल्यू आएगी। उसके बाद इस फोर से इसे डिवाइड कर लें तो साइन क्यूब एक्स जो होगा वो हमारा ऑप्टेन हो जाएगा थ्री बाई फोर साइन एक्स माइनस वन बाई फोर साइन थ्री एक्स। अब हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ हमारे पास आ रहा है ए साइन क्यूब पाई एक्स अपॉन ए, तो एक्स को पाई एक्स अपॉन ए से रिप्लेस करें और ए से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू आएगी थ्री बाई फोर ए, और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से साइन पाई एक्स अपॉन ए माइनस वन बाई फोर ए और साइन थ्री पाई एक्स अपॉन ए। अब ये यहाँ से हमें पता चल रहा है कि पार्टिकल जो है एन बराबर वन और एन बराबर थ्री इन दो स्टेटों में मिलेगा। तो एक तो क्वेश्चन हमसे यही पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास ये वेव फंक्शन था ये कौन कौन सी स्टेटों का सुपरपोजिशन था, तो ये जो सुपरपोजिशन है उस वो दो पार्टिकलों में पार्टिकल पाया जाएगा एन बराबर वन और एन बराबर थ्री। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि पार्टिकल कौन कौन सी स्टेटों में पाया जाएगा, तो एन बराबर वन और एन बराबर थ्री, क्योंकि ये हमारी साइन एन पाई एक्स अपॉन ए से मैंने कंपेरिजन की है, साइन एन पाई एक्स अपॉन ए से कंपेरिजन करेंगे तो एन की वैल्यू यहाँ वन होगी और यहाँ पे एन की वैल्यू थ्री होगी, इस तरीका से इसे हम लेंगे। उसके बाद हम सिंपली से सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा सॉफ्ट ट्रिक देता हूँ आपको कि यहाँ हमारे पास जो प्रायिकता होती है इसको हम अगर सी वन कह दें इसको सी टू कह दें, तो यहाँ पर जो प्रायिकता होगी इस स्टेट में ये हमारे पास प्रायिकता सिंपली आएगी नौ बटे सोलह मॉड ए स्क्वायर फॉर्म में, और यहाँ पर जो प्रायिकता आएगी वो हमारे पास आएगी वन बटे सोलह मॉड ए स्क्वायर फॉर्म में, तो यानी ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे तो नौ बटे वन की फॉर्म होगी, तो यहाँ पे पाए जाने की प्रायिकता नाइन और यहाँ पे वन, ये रेशो रहेगी, यहाँ से रेशो निकाल लेते हैं इससे सिंपली, क्योंकि रूट टू अपॉन ए यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा रूट टू अपॉन ए। लेकिन अगर ए पूछता है कि नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट हम कैसे निकालें तो वो भी मैं समझाता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट कैसे निकालें, तो रूट टू अपॉन ए और रूट ए बाई टू से पहले मल्टीप्लाई कर दें रूट टू अपॉन ए से और रूट ए बाई टू से, ऐसे यहाँ पे करें रूट टू ए अपॉन ए और ए बाई रूट टू रूट में मल्टीप्लाई करें। उसके बाद जो हमारे पास वेव फंक्शन आ जाएगा रूट टू अपॉन ए साइन पाई एक्स अपॉन ए, ये हमारा साई वन एक्स हो जाएगा और यहाँ पर रूट टू ए अपॉन ए साइन थ्री पाई एक्स अपॉन ए की जगह साई थ्री एक्स ले लेंगे, बाकी की टर्म जो बाकी बची है कि उसको हम सी वन और सी टू से शो कर देंगे और मॉड सी वन स्क्वायर प्लस मॉड सी टू स्क्वायर को वन ले लेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी सॉल्व कर रखा है तो वहाँ पर भी देख सकते हैं, तो इस तरीका से इसे हम बना सकते हैं। मैं स्टूडेंट कंफ्यूज ना हूँ उनके लिए इसे सॉल्व किए दे रहा हूँ कम्प्लीटली।
तो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस के लिए मैं बताना चाहूंगा कि अगर हमसे एनर्जी पूछता है तो एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करें। तो हमें पता चल रहा है कि जो रेशो है प्रायिकता की वो 9:1 है, तो नेट प्रायिकता 9 और 1 की रेशो में है, तो 9/10 प्रायिकता 9 और 9+1 ये ले लें तो 9/10 प्रायिकता होगी एन बराबर हमारे पास 1 स्टेट में, और 1/10 जो प्रायिकता होगी वो होगी एन बराबर 3 स्टेट में। तो ये हमारे पास में 2 स्टेटों में प्रायिकता हमें पता चल गई। अब अगर एक्सपेक्टेशन ही पूछता है तो हम वैल्यू ले सकते हैं P1 E1 प्लस P2 और E2। यहाँ जो प्रायिकता है वो हमारे पास P2 की वैल्यू 1/10 है और P1 की वैल्यू 9/10 है, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं 9/10 और E1 की जगह पे ले लें π² h² 2m² प्लस यहाँ पे P2 की जगह 1/10 और E2 की जगह पे जो हमारे पास एनर्जी होगी वो n बराबर 3 की एनर्जी ले लें वो होगी हमारी 9π² h² 2m² तो यहाँ पे P2 की जगह पे रख दें 1/10 और E2 की जगह पे ये वैल्यू रख दें, P1 की जगह पे 9/10 ले लें और E1 की जगह पे π² h² 2m² ले लें। तो यहाँ पे देखें कि एक्सपेक्टेशन ही जो हमारे पास आएगी वो हमारे पास कितनी आती है 9/10 π² h² 2m² और ये हमारे पास प्रायिकता है आ गई और यहाँ से आएगी वैल्यू 1/10 ये प्रायिकता है इस स्टेट में और एनर्जी आइगन वैल्यू है यहाँ पे 9π² h² 2m² तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 18/20π² h² 2m² तो ये वैल्यू 9/10π² h² 2m² इस फॉर्म में हम निकाल लेंगे, देख लें कहीं अगर कोई मिस्टेक है तो उसे देख लें कि कहीं कोई कैलकुलेशन की एरर तो नहीं हो गई है। तो ये इस तरीका से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं कि प्रायिकता हम निकाल लें वेरियस स्टेटों में, यहाँ प्रायिकता जो होगी वो 9 और 1 की रेशो में होगी, तो 9/10 प्रायिकता यहाँ होगी और 1/10 यहाँ होगी और उसके बाद इसे हम पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये देख लें कि यहाँ जो टर्म है इसमें कहीं कोई मिस्टेक ना हुई हो, तो मिस्टेक देखने के लिए हम देख सकते हैं कि sin 3x का एक्सप्रेशन हमने सही यूज किया है, तो sin 3x का एक्सप्रेशन था हमारा 3 sin x - 4 sin 3x, sin 3x की वैल्यू हमें यहाँ से निकाल ली थी 3/4 sin x - 1/4 sin 3x। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो काफ़ी यूजफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ, साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि हम बाकी की चीज़ें भी किस तरीका से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस में। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं इसमें बताना चाहूँगा पार्टिकल इन ए बॉक्स का, वो यह है कि अगर सपोज कहता है वो पार्टिकल -L/4 और 3L/4 के बीच है, एक्सपेक्टेशन एक्स निकालें, तो स्टूडेंट क्या करता है जनरली जो कैलकुलेशन है उसे करता रहता है क्वांटम मैकेनिक्स से। जैसे वो कहता है कि हमारे पास जो बॉक्स है वो -L/4 से लेकर 3L/4 के बीच है, तो लेंथ तो इसकी एल ही होगी, तो पूछता है कि भाई इसका हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होगा, तो 3L/4 - L/4/2 कर दें तो एक्सपेक्टेशन एक्स हमें पता चल जाएगा। तो ये इस तरीका की प्रॉब्लम्स को इस तरीका से हैंडल करें, तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी आपको बेनिफिट देंगे। उसके अलावा एक जो क्वेश्चंस है जो मैं बताना चाहूँगा, 1D 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की प्रॉब्लम और डिस्कस कर रहा हूँ, 2-3 प्रॉब्लम्स, और उसके बाद इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ क्योंकि काफ़ी लेंदी वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। तो 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर में जैसा वो कहता है कि एक्सपेक्टेशन एक्स बताएं क्या होगा, तो एक्सपेक्टेशन एक्स कैलकुलेट करने के लिए सोचें कि हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो पार्टिकल होता है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है फिर वापस लौटता है फिर उसके बाद में इधर जाता है फिर नेगेटिव डायरेक्शन में फिर वापस लौटता है, इधर पाए जाने की प्रायिकता इधर पाए जाने की प्रायिकता सेम है, पॉजिटिव में और नेगेटिव में उसका एम्पलीट्यूड सेम है 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर में। तो एवरेज हम देख सकते हैं कि पार्टिकल जब एवरेज तौर पर देखा जाएगा तो कहीं मिड में लाई करेगा एवरेज इसका, जैसे यहाँ पर मैं कंसेप्ट समझा रहा था, तो एक्सपेक्टेशन एक्स की वैल्यू 0 होगी। इस टाइप से हम सोच सकते हैं। अब अगर हम कैलकुलेशन से सोचें तो एक्सपेक्टेशन एक्स का फिर फॉर्मूला लगाएं, एक्सपेक्टेशन एक्स की वैल्यू होगी sin(xi)dx और एक्स की लिमिट ले लेंगे हम -∞ से +∞। ग्राउंड स्टेट में सपोज किया हम निकालना चाहते हैं n = 0 में, तो ग्राउंड स्टेट में फंक्शन होता है sin(x) की वैल्यू m(ω/π)h^4e-m(ω)x²/2h^4।
इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करें, तो जैसे हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में जो फंक्शन आएगा इन दोनों टर्मों से, वो हमारे पास में e की पावर माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एच कट आ जाएगा इन दोनों टर्मों से, और एम ओमेगा अपॉन पाई एच कट की पावर हाफ आएगी यहाँ पे, और ये एक्स डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑड इवन फंक्शन से जो ये वैल्यू है वो हमारी जीरो बन जाएगी। तो इस तरीका से हम देख सकते हैं। और पर्टर्बेशंस में खासतौर से इस फॉर्मूले को जब हम यूज करते हैं तो वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो और पर्टर्बेशन टर्म्स होती हैं एक्स एक्स क्यूब एक्स फाइव और एक्स की पावर सेवन, ये सभी का जो पर्टर्बेशन वो एनर्जी करेक्शन होता है वो जीरो होता है। तो वो ये कंसेप्ट भी हम यहीं से अप्लाई करते हैं। तो पर्टर्बेशंस जब हमारा वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर में एक्स एक्स क्यूब एक्स फाइव इस फॉर्म में होता है तो जो हमारे पास में एनर्जी करेक्शन होता है ग्राउंड स्टेट के करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन लेकर वो हमारा जीरो आता है। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी करेक्शन इज जीरो, और जो हम हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसका एक्सपेक्टेशन एक्स। अगर हम एक्सपेक्टेशन बाकी क्वांटिटियों का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक्सपेक्टेशन पी एक्स भी अगर हम देखेंगे इसके अंदर तो पॉजिटिव मोमेंटम और नेगेटिव मोमेंटम की फिर से प्रायिकता जीरो है। तो एक्सपेक्टेशन पी एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करके देखें वो भी हमारी टर्म जो होगी कैलकुलेट करके देखेंगे तो वो भी हमारी टर्म जीरो ही आएगी इसके केस में, क्योंकि मोमेंटम इधर पॉजिटिव मोमेंटम होगा, जब ये इधर नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो जो मोमेंटम है वो हमारा नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव मोमेंटम का जो एवरेज है वो हमारा जीरो होगा। अगर हम एक्सपेक्टेशन टी और एक्सपेक्टेशन वी की बात करें तो एक्सपेक्टेशन टी जो होता है और एक्सपेक्टेशन वी वो आपस में इक्वल होते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, और एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा। तो एक्सपेक्टेशन टी और एक्सपेक्टेशन वी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो वैल्यू आएगी हमारी हाफ एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा, और एक्सपेक्टेशन वी की जो वैल्यू है वो सिमिलर आ जाएगी हमारी हाफ एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा। एन जहाँ पर क्वांटम नंबर है, जिस यहाँ ये भी याद रखें कि वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर में एन बराबर जीरो से स्टेट लाई करती हैं। तो काफ़ी यूजफुल और काफ़ी कंसेप्चुअल टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा था, मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी बेनिफिट आपको वीडियो देगी, और बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मैं आगे कुछ और सॉफ्ट ट्रिक्स और अप्लाइड प्रॉब्लम्स जो है क्वांटम मैकेनिक्स की उन्हें डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेज फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।